ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुहर्रम के दौरान देश भर में कई जगहों पर हिंसा की वारदातें सामने आई है। वाराणसी और पीलीभीत में जमकर पत्थरबाजी हुई तो दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के दौरान हंगामा देखने को मिला। लोगों ने पुलिस की टीम पर भी पथराव कर दिया। दरअसल ये पूरा बवाल ताजिए का रूट बदलने को लेकर हुआ। पुलिस की टीम ने बताया कि जुलूस निकाले जाने का रूट निर्धारित था, लेकिन आयोजकों ने जुलूस को सूरजमल स्टेडियम की ओर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान वहां पर हंगामा शुरू हो गया और पत्थरबाजी लोग करने लगे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। और ये छह तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मुहर्रम जुलूस में हंगामा हुआ, पुलिस पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई। आप देखिए कि हाथों में हथियार लेकर भी कुछ लोग मौजूद थे। पुलिस पर पथराव करने की वजह से पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। कई बसों में भी तोड़फोड़ की गई है और पत्थरबाजी जब लोग करते दिखे तो सवाल ये था कि क्या पथराव को लेकर पहले से ही कोई प्लानिंग की गई थी।